आपसे वेलकम करता हूँ मेरे बर्थडे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और मेरे वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करिए। अगर अच्छे लगे तो उसे कमेंट भी करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे बर्थडे यूट्यूब चैनल से कुछ नए एपिसोड के साथ। मैं आज दिखाना चाहता हूँ कि कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि तो मेरा जो ब्रीडिंग चल रहा है किस तरह की ब्रीडिंग चल रही है, उसके लिए वीडियो बनाता है। चलिए मैं इसी में स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए चलते हैं। ये देख सकते हैं ये मेरा बच्चे छोटे से कॉलोनी है। कॉलोनी नहीं, मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मैं सारे बर्ड्स को एक साथ ही रखा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं मेरे सारे बर्ड्स हैं और अलग अलग फीमेले में रहता है। चलिए आप देख रहे हैं मैं सारे बर्ड्स के लिए अलग अलग सेपरेट पिंजरा तैयार किया है और ये पिंजरा मैंने खुद तैयार किया है। तो मैं यही दिखाना चाहता हूँ जो इन लोगों की किस तरह की प्रोग्रेस चल रही है। तो चलिए इसके लिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो फिर मेरा दो दफ़ा ऑलरेडी जो बर्ड्स है वो ब्रीड कर चुके हैं, बच्चे भी निकले हैं बहुत सारे। तो इस दफ़ा मैंने खड़ी मछली निकाल ली थी, अभी अभी दिए हैं मछली। तो अभी तो कोई भी बच्चा नहीं हुआ है तो फिर अंडे ही होगा, नहीं पता होता। चलिए फ्रेंड्स ये आप देख रहे हैं जो मेरे सामने एक है, ये क्रस्टर थोड़ी है, ठीक है। इसके जो सर पे है थोड़ी सी इसकी जो पंख होती है थोड़ी उठा हुआ होता है। और ये इसका इसका बच्चा भी है दो, उसके भी वो भी क्रस्टर निकला हुआ है। तो चलिए इस मटकी में देखते हैं इस मटकी में कितने बच्चे वगैरह है या फिर अंडे हैं, वो आपको दिखाना चाहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं इस मटकी में एक दो तीन चार पाँच अंडे दे दिया है और मादी भी अंदर ही बैठा हुआ है, वो आप देख रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट केज में चलते हैं, मटकी में क्या है प्रोग्रेस, क्या कितनी अच्छी तरह से चल रही है ये दिखाता हूँ। मेरे ये जो नेक्स्ट पेयर है ये दोनों ही व्हाइट और स्काई ब्लू का है। इसे पहले दफ़ा तीन बच्चे निकले थे, इस दफ़ा मैंने अभी तक रेस्ट दिया है। तो देख रहा था मैं आज ही सुबह तो मैंने धनिया पत्ते दिए थे, तब उस समय ये ब्रीडिंग कर रहे थे। तो मुझे लगता है इसको भी जल्द से जल्द मटकी दे देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। इस पेज में देख रहे हैं ये कितनी अच्छी तरह से ये जो ग्रीन फूड होता है कितनी अच्छी तरह से ये खा रहे हैं। चलिए इसके मटकी में भी दिखाता हूँ क्या है बच्चे वगैरह या फिर अंडे। ये देख रहे हैं फ्रेंड्स इसके जो मटकी के अंदर दो या फिर मुझे लगता है दो या फिर तीन अंडे, हाँ दो ही अंडे दिए हुए हैं और मादी अंदर ही बैठा हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट करेंगे चलते हैं। ये जो दिख रहा है ये क्रस्टर के ही वो जो पहला वाला प्यार था उसी का ही बच्चा है। ये दिख रहे इसकी भी जो सिर का जो पंख है ये भी उठा हुआ है। चलिए नेक्स्ट के दिन में ये एक नया प्यार है, मैंने ये जो नए मादी नर खरीद के लाया था, इसके साथ ये सफ़ेद का जोड़ा बनाया था। अभी तक कुछ भी इन लोगों ने नहीं किया है इसलिए मैंने इसको मटकी या फिर कुछ भी नहीं दिया हुआ है। और ये है मेरे सबसे फाइटिंग वाला मादी, ये सब नर के साथ फिट नहीं होता इसीलिए मैंने इसको अलग ही रखा हुआ है कि इसकी इसके साथ जो नर फिट होता है वो क्रस्टेड है, जो पहले वाला वीडियो में पहले जो वीडियो बनाया था उसी के जी में है। तो इसको रेस्ट दिया है, इसको नेक्स्ट टाइम पे उसके साथ मैंने मीटिंग बनाऊंगा। ये देख रहा है ये मेरा और एक
केज है और ये थोड़ा साइज में बड़ा है। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स, जिसने दो या तीन, मेरे उम्मीद से ये हाँ तीन ही अंडे दिया है, जो मादे है वो मटकी के अंदर ही है। तो चलिए नेक्स्ट खेल की ओर चलते हैं। ये एक मेरा जबरदस्त नर है, ये आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया सा है। मैंने इसका रेस्ट में रखा हुआ है, इसको किसी और भी मादी के साथ देना है। पहले इसको रेस्ट ले लेता हूँ, उसके बाद ही किसी और के साथ मैंने दूंगा इसको। ये देख रहे मैंने यही दो नर मैंने खरीदे थे, एक उस वाइट बल के साथ था और एक ये के साथ। तो चलिए इसके अंदर देखते कितने अंडे या फिर कुछ है। व्यूअर्स ये नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने फ्लैश लाइट नहीं जलाया हो रहा है। इसके अगर बच्चे हो जाए उसके बाद मैं हम लोगों को दिखा दूंगा। इसके बच्चे हो गए हैं, मैं इसका वीडियो भी बना के आपको शेयर करूंगा। ये एक रेडाइस की मादी है, ये देख सकते हैं इसकी बच्चे भी क्रश थोड़े गंजे निकल रहे हैं, इसलिए मैंने इसको रेस्ट में रखा हुआ है। और ये एक पेयर है, ये भी रेड आइज का ही पेयर है और जो नर है वो ब्लैक आइज का है। चलिए देखते हैं इसके पट्टी के अंदर क्या है प्रोग्रेस। ये आप देख सकते हैं तीन अंडे हैं, आप देख सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया जबरदस्त है जो प्रोग्रेस चल रही है। उम्मीद करता हूँ इसके तीन बच्चे अच्छे निकले, फटा ही निकले। तो चलिए मेरा जो ये है, ये केज के जिससे जरा बच्चे या फिर और भी कुछ है उसको रखने के लिए मैंने बनाया है। इसमें बहुत सारी है, नर भी है बहुत और मादा नहीं है, जैसे नर है। तो मैं जो जिसको एक बार मैंने ब्रीडिंग करने के बाद इनको चेंज कर दूंगा और इससे नर लेके उसको फिर से ब्रीडिंग कराऊंगा। चलिए फ्रेंड्स मेरा वीडियो इसमें समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपका जो मेरा वीडियो है वो बहुत अच्छा लगा होगा। तो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले। और अगर नए वीडियो मेरे वीडियो नए कोई देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूले। चलिए थैंक्स यू एंड बाय बाय।